मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे पिछले लगभग 2 साल तो बतौर वाइस चांसलर काम कर रहा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक अजिहा अदारा है जिहड़ा मालवे के पछड़े खेत्र च गरीब खास करके पछड़े वर्गों के ते खास करके लड़कियां नूं थोड़ी फीस से उचेरी विद्या दिंदी है। साडे होस्टलों के खर्चे भी इन्ने ने कि आम परिवार का विद्यार्थी इत्थे आके रह सकता है। मेन कैंपस ते सारे साडे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज साडे जिहड़े बाहरले केंद्र ते उहदे नाल अफिलिएटेड कॉलेजेस नूं रला के 2 लाख तों वध विद्यार्थी इत्थे पढ़दे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कुछ समय तों वित्तीय संकट च वी चल रही है ते वित्तीय संकट दा वड्डा कारण इह है कि असीं जिहड़ियां न्यू लिबरल पॉलिसीज आईआं इस देश च उहनां मुताबक अपणियां फीसां नहीं वधाईआं ते असीं पब्लिक दी इस खेत्र दी सर्विस उसे तरीके नाल ही करदे रहे जिस तरह सानूं करनी चाहीदी सी। नतीजा इह कि अज साडा जे साल दा सैलरी बिल 468 करोड़ है नवे ग्रेडां तों बाद, मतलब कि 1 महीने दा 39 करोड़ साडा सैलरी बिल है। 468 करोड़ विच जे लगभग 100 करोड़ होर जोड़िए बिजली पानी होर खर्चे ते साडा 650 करोड़ दा लगभग बजट है। 650 करोड़ विचों 200 करोड़ यूनिवर्सिटी अपने सोमियां तों कमाउंदी है। भावें असीं थोड़ी भी फीस लैने आ पर उस सारी फीस ते एफिलिएशन तो सानू 200 करोड़ दे रुपए दे लगभग राशि मिलती है ते असीं सरकार कोलों पंजाब सरकार कोलों इस साल 360 करोड़ दी सालाना ग्रांट मंगी सी ताकि असीं तनखावां दे सकीए ते यूनिवर्सिटी नूं चला सकीए। असीं कोई होर ग्रांट नहीं सी मंगी। इस ग्रांट तो बिना यूनिवर्सिटी नूं चलाउणा असंभव है। इस गल दा सब नूं पता सी ते पंजाब सरकार नूं बड़ा खुल के दस्या गया सी। 164 करोड़ रुपये की ग्रांट जो पंजाब सरकार ने इस बजट सानू दिती है ये पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल एक भद्दा मजाक है। पंजाबी यूनिवर्सिटी इन्नी ग्रांट नाल नहीं चलाई जा सकती। यह भी हो सकता सी कि सरकार सानू 360 करोड़ की थां ते कुछ ग्रांट घट दे दिंदी, जिवें सब नू पता है कि पंजाब की भी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। जे असी सारे गरीब हाँ सारे भुखे हाँ तो असी घट रोटी वंड वरत के भी खा सकते हैं। इस गल मैं भी बिल्कुल समझदा ते जे इस तरह की कोई गल हुंदी कि सानू ग्रांट इस तरह दित्ती जांदी कि सानू लगदा कि सरकार साडे प्रति सुहिरद है पर सरकार दीआं कुछ मजबूरियां ने, ते असीं जरूर इह सोचदे कि इह सरकार जिहड़ी पंजाब विच विद्या ते सेहत नूं लै के इन्ने वड्डे बयान दिंदी रही है ते जिहदे चीफ मिनिस्टर ने 29 मार्च नूं यूनिवर्सिटी विच कहा सी कि मैनूं पता लग्गा है कि विद्या कर्जे थल्ले है, विद्या कर्जे थल्ले नहीं रहेगी। तो जे इस ग्रांट नाल यूनिवर्सिटी नूं चलाउणा है तो ना सिर्फ विद्या कर्जे थले ही रहेगी, 150 करोड़ का कर्जा जो पंजाबी यूनिवर्सिटी च है उन्हूं फिर वधाउणा पएगा, होर कर्जे लैके ही तनखावां देनियां पैणगियां ते कर्जा वधेगा ना कि घटेगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी विच बहुत सारे नवे प्रोग्राम असीं शुरू कीते है, एक अकादमिक माहौल मुड़ सिरजण की कोशिश कीती है जिहड़ी बहुत हद तक अगे वधी है ते कामयाब होई है। असीं 5 साल एकीकृत कोर्स शुरू कीते है, पंजाब दा वण ते जीव जंत मुड़ बहाली केंद्र शुरू कीता है, पंजाब दा पेंडू कारोबारी ते हुनर विकास केंद्र शुरू कीता है, बहुत सारे अकादमिक प्रोग्राम 300 साला वारिस शाह दा, 150 साला भाई वीर सिंह दा ते बहुत सारे होर प्रोग्राम असीं इस तरह करदे हैं जो पंजाब ते पंजाबीयत नूं प्रणाए हुए हुंदे हैं। इस करके पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं चलाउणा ते उहनूं योग वित्तीय ग्रांट देनी सरकार दा काम है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਤੌਰ मैं पंजाब सरकार नूं पुरजोर अपील करदा कि साडी ग्रांट जो 164 करोड़ अनाउंस कीती है उहनूं इसे बजट विच बदल के 360 करोड़ जां उहदे लागे चागे कीता जावे। इस तों बगैर इह 60 साल पुराना उदारा जो पंजाब पंजाबी ते पंजाबी भाषा नूं प्रणाया होया है अगे नहीं वध सकेगा, सगों मर जाएगा ते इहदा मरना पंजाब ते पंजाबी दे मरन दे बराबर होएगा। मैं सारिआं नूं अपील करदा, यूनिवर्सिटी परिवार दे सारे मैंबरां नूं, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ
कि इस अदारे नू इस तरह बंद होने वाल जान ना दिता जाए।